केंद्र के यूट्यूब में स्वागत है आपका। हम इस वीडियो में प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए DLED से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। लगभग इस वीडियो में 81 क्वेश्चन को देखेंगे और सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो परीक्षाओं में, इस तरह के परीक्षाओं में पूछा गया है। तो देखते ही में पहला क्वेश्चन है, पहला है कि क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। क्रिस्टीना शिक्षिका है जो अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जाती हैं और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह खाली स्थान की ओर संकेत, यह किसकी ओर संकेत करता है? तो यह इसका आंसर ए हो जाएगा। यह सीखने के लिए आकलन, यह है सीखने के लिए आकलन की ओर संकेत करती है। अगला है शिक्षार्थियों को, इसके बाद खाली स्थान के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थियों को किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। शिक्षार्थियों को शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करने चाहिए। शिक्षार्थियों को शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है? तो उसका आंसर ए हो जाएगा। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। फिर अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन यहाँ पर फिर रिपीट क्वेश्चन है जो फिर बाद में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है, इसमें से जितने उनमें से संश्लेषण का उदाहरण कौन सा है? तो संश्लेषण का उदाहरण सी हो जाएगा, प्रमेय सिद्ध करना। प्रमेय सिद्ध करना संश्लेषण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व अस्थाई समायोजन है मतलब क्या है? व्यक्तित्व अस्थाई समायोजन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। कौन कौन? व्यक्तित्व अस्थाई समायोजन है किसके किसके साथ? पर्यावरण के साथ है, प्रकृति के साथ है, जीवन के साथ है। अगला क्वेश्चन है, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उन्हें धन्यवाद देंगे। अगला क्वेश्चन है कि जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि क्या कि यह व्यक्तिक असफलता है। यह व्यक्तिक असफलता है मतलब जो विद्यार्थी असफल हुआ उसका असफलता है, लेकिन वास्तविक में यही नहीं है, क्योंकि पूरा जिस कक्षा में पढ़ता है वो पूरा कक्षा का असफलता के कारण पूरा कक्षा बनता है, लेकिन समझा क्या जाता है जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि यह व्यक्तिक असफलता है मतलब जो असफल हुआ उसी के लिए असफलता है। अगला क्वेश्चन है कि आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित एक प्रश्न पूछता, आप क्या करेंगे? मतलब कोई पाठ आप पढ़ा रहे हैं और उस पाठ से न होकर के अलग, मतलब उस पाठ से संबंधित न होकर के अलग पाठ है से प्रश्न पूछ देता है कोई बच्चा, तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, कक्षा के बाद प्रश्न को उत्तर देंगे। कक्षा में तो नहीं है, लेकिन कक्षा जब खत्म हो जाएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं जिस चैप्टर को, चैप्टर खत्म होने के बाद उसका उत्तर देंगे। तो वही इसका आंसर हो जाएगा डी में, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए पांचवी कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि क्या परामर्श दिया जाता है? इसका आंसर डी हो जाएगा कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करना है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है, सी आंसर हो जाएगा, उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञात होना चाहिए। यानी उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें अपने विद्यार्थियों को समस्याओं को हल करने
का पर्याप्त ज्ञात होना चाहिए, मतलब उसे उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो वही है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। साधन संपन्न का मतलब क्या होता है, मतलब इसका अर्थ क्या होता है, तो उन्हें अपने विद्यार्थियों के समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञात होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान है, उसके बाद है किसको अनुप्रेरित शिक्षण की एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को अनुप्रेरित शिक्षण का एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, परामर्श का उद्देश्य क्या है, मतलब परामर्श का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, उपरोक्त सभी। क्या क्या है, तो परामर्श का मतलब है बच्चों को समझना है, इसके बाद बच्चों की कमियों के कारण पता लगाना, इसके बाद बच्चों के समायोजन में सहायता प्रदान करना, ये सभी हो जाएगा परामर्श का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से आप कौन सा उपागम है, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है, तो है कौन कौन, तो वार्तालाप कौशल है, परियोजना कार्य है, मौखिक प्रश्न है, लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं है। तो इसका आंसर चूंकि नहीं पूछ रहा है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे, आपकी कक्षा के कुछ छात्र जो बहुत तेज है, बहुत मेधावी है, तो आप उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है सी, इसका आंसर सी हो जाएगा, अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, यही है नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य। फिर अगला है, निबंधनात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, न्यूटन की गति के तीनों नियमों को व्याख्या करना है। निबंधनात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन की गति के तीनों नियमों का व्याख्या करना। अगला क्वेश्चन है, उपलब्ध अभिप्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उपलब्ध अभिप्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका डी उपरोक्त सभी है। कौन कौन है, तो उपलब्ध अभिप्रेरक के संबंध में उपलब्धि अभिप्रेरित जीवित रहने के लिए आवश्यक है, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। इसके यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास अभिप्रेरक कहा जा सकता है। तीसरा है, यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, ये मतलब सब हो जाएगा। अगला है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है, क्या है, दबाव को कम करना एवं परीक्षाओं में मतलब सफलता के लिए आप क्या आवश्यक है, क्या जरूरत है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कम समय की परीक्षा में अंतरण। इसके अगला क्वेश्चन है कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन रहना है ताकि संतुष्ट किया जा सके, किसको संतुष्ट किया जा सकते हैं, आवश्यकताओं को। समायोजन का मतलब है, मतलब तात्पर्य है कि स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके, किसको, आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। फिर अगला क्वेश्चन है कि समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है, मतलब समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। कौन कौन है, तो एक पहला है कि विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, दूसरा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, तीसरा है विशेष व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना, सभी है, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना,
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्यधारा में लाना और विशेष व सामान्य बच्चों को साथ पढ़ने की सुविधा देना, यानी उपयोग सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए? तो नियमित करनी चाहिए, प्रतिदिन करनी चाहिए। शिक्षक को गृह कार्य माने होमवर्क जो दिया जाता है उसको जांच करनी चाहिए नियमित रूप से। फिर अगला है, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है, किस तरह से? तो बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है, इसमें डांट डपट कर नहीं सुधारा जा सकता है, दोषारोपण द्वारा नहीं सुधारा जा सकता है, अनुबंधन द्वारा सुधारा जा सकता है। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है अनुबंधन द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों को परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के इसका डैश है खाली स्थान है के बारे में चिंतित है, किसके बारे में चिंतित है? तो मुख्य रूप से वह जो है बी आंसर हो जाएगा, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित है। मतलब जब परीक्षा का क्वेश्चन सेट किया जाता है तो क्वेश्चन में सीमित क्वेश्चन में सारा बुक जो है उस जिस किताब से उस सारा किताब को पकड़ लेना होता है, तो उसी बारे में चिंतित रहता है कि पूरे किताब के मतलब उसमें पकड़ाया कि नहीं, तो वही संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल किया गया है कि नहीं, इसी के लिए चिंता में लगा रहता है। अगला है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों को उत्तर नहीं देती। एक शिक्षिका जो है अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों के को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम इसके खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करती है, मतलब किसके सिद्धांत पर काम कर आधारित है, मतलब शिक्षिका जो है किसी प्रश्न का उत्तर खुद नहीं दे करके उस समूह बना देते हैं, समूह में एक दूसरे से पूछ करके एक दूसरे से सहयोग लेकर के चर्चा करके को उसका आंसर ढूंढने को ले कहती है। तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जो है इसका आंसर हो जाएगा ए, यह सक्रिय भागीदारता के सिद्धांत पर आधारित है, सक्रिय भागीदारता के सिद्धांत पर आधारित है। फिर अगला है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि जब कोई बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? रियल में इसका तात्पर्य है व्यवस्था फेल हुई है। इससे पहले क्वेश्चन देखें, जब व्यक्ति बच्चा फेल होता है तो व्यक्तित्व असफलता समझा जाता है, लोग समझता है, लेकिन रियल में है जब बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब है व्यवस्था फेल हुई है, आंसर डी हो जाएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? इतना दिया हुआ है, इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन सा है? तो सत्य असत्य यह वस्तुनिष्ठ हो गया, सत्य और असत्य वस्तुनिष्ठ। बाकी निबंधनात्मक लिखना पड़ता है, लघु उत्तरात्मक लिखना पड़ता है, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न भी उसको लिखना पड़ता है, लेकिन सत्य और असत्य जो है यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया। अगला है, आंशिक पुनर्बलन, इसके बाद खाली स्थान है, तो इसमें क्या होगा? तो आंशिक पुनर्बलन जो है सी इसका आंसर, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, आंशिक पुनर्बलन ही ज़्यादा प्रभावी होता है, किससे? सतत पुनर्बलन से ज़्यादा प्रभावी होता है आंशिक पुनर्बलन। तो यही है, आंशिक पुनर्बलन जो है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। अगला है, सीखने, इसके बाद खाली स्थान है, आकलन अनुदेशन के बीच ऐसे खाली स्थान के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है, इसमें क्या क्या भराएगा? तो इसके लिए इसका आंसर सी हो जाएगा, क्या है? सीखने के लिए इसके बाद पहला है के लिए, सीखने के लिए आकलन और निर्देशन के, यहाँ के छूटा हुआ है, के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है, तो आंसर सी हो जाएगा। फिर अगला है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय, किसके सिवाय? सीखने के लिए आकलन जो है निम्नलिखित का ध्यान है, किसका ध्यान है? सिवाय किसके छोड़ करके? तो इसका आंसर हो जाएगा सीखने के लिए, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित को ध्यान के सिवाय है, तो इसको छोड़ करके, सिवाय मतलब इसको छोड़ कर, बाकी कौन कौन है सीखने के लिए आकलन? तो विद्यार्थियों की त्रुटि, विद्यार्थियों के अधिगम शैलियाँ, विद्यार्थियों की क्षमताएं, ये सब होगा, लेकिन यहाँ सिवाय पूछा जा रहा है, इसका मतलब विद्यार्थियों की आवश्यकताएं मतलब सिवाय मतलब नहीं है। अगला है, सह शैक्षणिक
क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? तो इसको आंसर ए हो जाएगा, या वैकल्पिक या व्यक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है, या व्यक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सी हो जाएगा, समस्या कथन के समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो इसमें हो जाएगा डी हो जाएगा, कुशाग्र बुद्धि वाले बुद्धि के बच्चे को। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों को। फिर अगला है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः, इसके बाद खाली स्थान की ओर संकेत करता है। तो उसका आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती है। फिर से क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती है। फिर अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न किसका एक उदाहरण है? तो इस तरह का प्रश्न किस चीज़ का उदाहरण है? तो यह है डी आंसर होगा, उच्च स्तरीय अपसारी का एक उदाहरण है, उच्च स्तरीय अपसारी का एक उदाहरण है, हाई ऑर्डर डाइवर्जेंट का। अगला है, सीता ने अपने हाथ से, सीता ने अपने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। मतलब सीता है लड़की है जो अपने हाथ से चावल दाल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसे चीज़ों को उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमों में दाल और चावल खाने को कर लिया है। क्या कर लिया है? तो अनुकूलित कर लिया है। क्या सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है? जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमों में दाल और चावल खाने को अनुकूलित कर लिया है। फिर अगला क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन क्या है? विद्यालय आधारित आकलन क्या है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों को मदद करता है, यही है विद्यालय आधारित आकलन। अगला है, खाली स्थान है, इसके बाद है खाली स्थान के बाद के अतिरिक्त, मतलब किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं? किसके अतिरिक्त? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जितना संभव हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षा लेना के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। तो कौन कौन है इसके अतिरिक्त, इसको छोड़ करके, चूँकि अतिरिक्त कहा रहता है, आंसर ये हो जाएगा, लेकिन होगा क्या, जो आकलन को बढ़ावा देता है कौन कौन है, सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा कौन कौन देता है? तो शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठ पोषण लेने के लिए कहना, अवसर पाने के लिए शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, इसका पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, ये हो गया कौन चीज, सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं सब, लेकिन जो जितना संभव हो सो हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षा लेना ये सीखने के आकलन को बढ़ावा नहीं देगा। क्योंकि अतिरिक्त कह रहा है तो इसे डी आंसर हो जाएगा, मतलब नहीं बराबर हो जाएगा। अगला है, जब एक विद्यार्थी खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह किसके समान है? तो वह क्या है,
खाना को चखता तो वह सीखने के आकलन मतलब सीखने के आकलन के समान है। जब एक विद्यार्थी जो है खाना पकाते समय खाना को चखता है तो वह सीखने के लिए आकलन के समान है। फिर अगला है खाली स्थान है के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचना। इसका हो जाएगा बी में, परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचना के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सा नेतृत्व शैली बेहतर है। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है। तो हो जाएगा बी प्रजातांत्रिक नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है खाली स्थान है के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। किसके द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए, संभवतः उन्हें क्या था, उन्हें क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आत्मसिद्धि की प्राप्ति, आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी। फिर अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों को, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए, उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए। तो डी समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। इसमें विकल्प दिया हुआ है जो सब एक तरह है और एक अलग है। तो कहा स्व आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना, इसके बाद प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों को विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी प्रचलित करना। तो ये तीनों लगभग प्रश्न टाइप के हो गए और ये जो है स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करता है, ए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है मतलब नीचे सेकेंड करता हो तो उसके अभिभावकों को उसकी सहायता के लिए परामर्श दिया जा सकता है कि क्या दिया जा सकता है उसके अभिभावक को सहायता। तो उसको कहा जा सकता है कि वह बी आंसर हो जाएगा, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। अगला क्वेश्चन है ग्रेड अंकों में कैसे अलग है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग, ग्रेड और अंक में अंतर कैसे है। तो वही कह रहा है ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। तो यह प्रश्न जो है विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक से संबंध रखता है, विश्लेषणात्मक से संबंध रखता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 7 का विद्यार्थी गणित में त्रुटि करता है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्या डी, शिक्षार्थी से कहें कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करें अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उन्हें दोबारा कहें। अगला है गणित में अधिगम निर्योगता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। तो है क्या है इसका आंसर हो जाएगा बी निदनात्मक, निदनात्मक परीक्षण, निदनात्मक। गणित में अधिगम निर्योगता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। तो निदनात्मक परीक्षण के द्वारा। फिर अगला है निगमनात्मक तर्कना में शामिल है, निगमनात्मक तर्कना में शामिल है, कौन सी शामिल है। तो उसमें है सम्मान, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, सम्मान से विशिष्ट की ओर तर्कना,
निगमनात्मक तर्कना में शामिल है कौन? सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना। ऑप्शन ए भी है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, लेकिन नहीं होगा, होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना, यही है निगमनात्मक तर्कना में शामिल। फिर अगला है व्याख्या, अनुमान अथवा नियंत्रण प्रकल्पना किसका लक्ष्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य है। व्याख्या, अनुमान अथवा नियंत्रण प्रकल्पना क्या है? वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य है। फिर अगला क्वेश्चन होगा है क्या है, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा आंसर। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने के लिए हेतु मतलब लिए के लिए लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने के लिए लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा में कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है, वह क्या कर रहा है? वह क्या कर रहा है? तो सीखने के आकलन कर रहा है, वह सीखने का आकलन कर रहा है। अगला है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, व्यवस्था के लिए स्वामित्व को भावना रखते हैं, व्यवस्था के लिए स्वामित्व को भावना रखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि क्या करना चाहिए? तो वह डी हो जाएगा आंसर, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। फिर अगला है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है, किसको विकसित करने के लिए किया जा सकता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। अगला क्वेश्चन है, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि क्या इस विश्वास की ओर ले जाती है कि इसका आंसर सी हो जाएगा, पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोच्च क्षमता को पोषित करेगी? सर्वोच्च क्षमता को पोषित इसमें से कौन है? तो इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, जब संकल्पना परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। अगला है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो, आकलन में क्या सम्मिलित हो? तो आकलन में इसका आंसर भी हो जाएगा, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि को संकलित करनी चाहिए। क्या है? एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो, मतलब निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित हो? तो बी आंसर है, अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि सम्मिलित हो। अगला है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, बच्चा जो गलती करता है वह उनके सीखने की एक भाग है, तो वही कह रहा है, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की एक प्रक्रिया का अंग है। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की खाली स्थान है की योग्यता का आकलन करते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा, सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने की योग्यता का आकलन करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने की योग्यता का आकलन करते हैं। अगला है,
एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं, मतलब प्रथम बार उसके माता पिता दादा दादी कभी कोई स्कूल नहीं आया, प्रथम बार उस खानदान से वो स्कूल में आ रहा है, तो यही कह रहा है एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं, आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना सर्वाधिक है, क्या काम आप करेंगे, मतलब वही क्या काम करेंगे। तो अगला इसका आंसर हो जाएगा डी, कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। अगला है, जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तक पढ़ते हैं, जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, मतलब जब कुछ सिलेक्टेड किताब है जैसे कोई भी क्लास का जो क्या है विशेष संख्या में किताब पढ़ते हैं और उसके बाद एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे, क्योंकि यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे क्योंकि इसके आंसर डी हो जाए, यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है, कौन सा कथन है जो बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान होती है, यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार का सोचते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि आकलन जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है, क्योंकि डी आंसर हो जाएगा, आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों को उत्तर नहीं देती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह रिपीट क्वेश्चन है, यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है, किसके, तो यह है सक्रिय भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित है, सक्रिय भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित है। अगला है, सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है, स्तंभकृति, ए हो जाए, स्तंभकृति हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है, इसका आंसर डी हो जाएगा, कह अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है, तो अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। फिर अगला है, शिक्षार्थियों द्वारा की गलतियां और त्रुटियां क्या है, तो है शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां जो है बी आंसर हो जाएगा, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, विद्यार्थियों द्वारा की गलतियां और त्रुटियां को कैसे देखी जानी चाहिए, तो उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है, कैसे, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, मतलब जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है, कैसे, तो कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। फिर अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को
उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उन्हें ग्रहण किया है, जिस तरह से उन्हें पढ़ाया गया है, और उसी तरह से हूबहू मतलब प्रस्तुत करें। तो यह किस तरह की यह है, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। यह समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। कोई भी अपने दिमाग से ही अपने हिसाब से ही देखता है। तो वही कहा जा रहा है शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उससे ग्रहण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समस्यात्मक है। यह जो है क्या है, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम या उचित वर्णन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। फिर अगला है, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसे उसको क्या कहेंगे, क्वेश्चन है, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं और उसे आंसर डी हो जाएगा, उपयोगिता प्रकार का कार्य कहा जाता है। उपयोगिता प्रकार का कार्य कहा जाता है। अगला है ग्रेडिंग कोडिंग, यहाँ ग्रेडिंग कोडिंग अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ कुछ उदाहरण है, किसका उदाहरण है सब। तो ये सब जो है बी हो जाएगा, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि के कुछ उदाहरण है। ग्रेडिंग कोडिंग अंकन और क्रेडिट संचयन प्रणालियाँ अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि के कुछ उदाहरण है। अगला है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है, किस तरह से। तो डी आंसर हो जाएगा, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है, कैसे। तो शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। फिर अगला है, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, थॉर्न। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है, थॉर्न है। फिर अगला है, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन के लिए सबसे प्रभावशाली विधि कौन है, मतलब छात्र जो है एक अवांछित व्यवहार करता है तो उसको जो संशोधन करने के लिए सबसे प्रभावशाली विधि कौन सा है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना, किस कारण से वह अवांछित व्यवहार करता है उसका पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है, परामर्श का एक तत्व नहीं है। तो साक्षात्कार परामर्श का तत्व है, विश्वास ही परामर्श का तत्व है, संप्रेषण भी परामर्श का तत्व है, वृत्तिक वृद्धि ये नहीं है। तो नहीं पूछ रहा है तो चूंकि यही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है वह किस तरह का अनुभव लाती है। तो अनुभव जो लाती है वह उन्हें शामिल कर उसका संचयन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो अनुभव लाती है उसको उसमें शामिल करना चाहिए और उसका संचयन करना चाहिए। तो वही है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें शामिल कर उनका संचयन करना चाहिए। फिर अगला है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न क्या, बच्चों को कक्षा में प्रश्न इसका ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा इसका, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए,
आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियां को समझना। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियां को समझना हो जाएगा। तो लगभग यहाँ पर हम 81 क्वेश्चन को देखे हैं जो प्रधान शिक्षक परीक्षा में DLED से संबंधित पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों में से था। फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।